आपने सुना होगा कि लोग त्योहार के शुभ दिनों पर सोने के आभूषण पहनते हैं, लेकिन सोना खाने का आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन अहमदाबाद में जो मिठाइयां बिक रही हैं, उनमें एक मिठाई सोने से बनी है। सोने के सिक्के जैसी दिखने वाली इस मिठाई के दाम जानकर आप चौंक जाएंगे। इस मिठाई की कीमत 21,000 रुपए प्रति किलो है। यूं तो बाजार में मिठाइयां 500 रुपए प्रति किलो बिक रही हैं, लेकिन अहमदाबाद में पहली बार सिर्फ दिवाली के त्योहार के लिए सोने की मिठाइयां बनाई गई हैं। ये सुनहरी मिठाई ग्वालिया स्वीट्स द्वारा तैयार की जाती है। ये मिठाई बाजार में बिकने वाली अन्य मिठाइयों से कुछ अलग है। मिठाई में ब्लूबेरी, बादाम और पिस्ता जैसे आयातित सूखे मेवों का उपयोग सोने की पन्नी और सोने की स्टफिंग के साथ किया जाता है। चूंकि ये पहला साल है, इसीलिए ऑर्डर पर मिठाइयां तैयार की जाती हैं। आपने बाजार में मावे की मिठाई तो देखी ही होगी, लेकिन ये बाकी सभी मिठाइयों से अलग मिठाई है। स्वीट्स की सेल्स और ऑपरेशंस प्रमुख रवीना तलवानी का कहना है कि फिलहाल बड़े बिल्डरों और कॉर्पोरेट घरानों से टेस्टिंग के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसके बाद खरीद के लिए ऑर्डर दिए जाएंगे। प्यारे मम्मी पापा, दादा दादी, हम एक संबद्ध राष्ट्र में अपना सुनहरा भविष्य निर्माण कर सके, इस हेतु आप वोट अवश्य करें। ये आपकी बेटी की चिट्ठी है, उन नन्हे बच्चों की जिनकी लोकतंत्र के महत्व के बारे में जानकारी है। उन्हें पता है कि एक मत का कितना महत्व है। उन्हें ये पता है कि एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छी सरकार का होना कितना जरूरी है, और इसलिए इन नन्हे बच्चों ने चिट्ठी लिखी अपने गार्जियंस के नाम। दरअसल एमपी में 17 नवंबर को लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी चुनाव है, और इस पर्व पर शाहजहांपुर के स्कूल्स के बच्चों ने अपने पेरेंट्स के नाम एक संदेश भेजा। इन्होंने चिट्ठी के माध्यम से कहा कि समृद्ध राष्ट्र में सुनहरे भविष्य के लिए आप मतदान जरूर करें। स्कूली बच्चों ने सामूहिक तौर पर पत्र लेखन किया और मत के महत्व को बताया। प्रदेश में चुनाव की चल रही है तैयारी, एक्शन में अधिकारियों और छापामार कार्रवाई है जारी। ये पूरा का पूरा हाल उस प्रदेश का है जहां चुनाव है, वो प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहां चुनाव की बेला में अधिकारी एक्शन में हैं। चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो, मतदान में वोटर्स पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े, इसके लिए हर तरह से पुलिस तैयार है, छापेमारी कर रही है, और इस बार छापा कई शहरों में भी पड़ा है। धार के गंधवानी में प्रत्याशी ही चुनाव की हवा बिगाड़ने में जुटे हैं, बोतल वाला प्रचार कर रहे हैं, मतलब प्रचार के दौरान गाड़ियों से शराब की बोतलें निकल रही हैं। दरअसल गंधवानी के कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार के प्रचार के दौरान शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस के प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब सहित 3 बरामद की गई, जिसके बाद आबकारी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। गुरुग्राम की सड़क पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। बस राजस्थान से दिल्ली आ रही थी और इस दौरान सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर बस में अचानक आग लग गई। आग की लपटें निकलती देखते ही पूरी बस में आग फैल गई। बस आग का गोला बन गई और इस गोले में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। बस में 30 से 40 के करीब यात्री सवार थे। कई यात्री आग में झुलस गए और बस में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त समेत गुरुग्राम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स के साथ आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में घायल पीड़ितों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब वो लोग सड़क पर उतर गए हैं, यूं कहें कि वो उतरे नहीं बल्कि सिस्टम की मार ने उन्हें मजबूर किया है, और जब मजबूरियां परेशानी बनने लगे तो फिर लोग ऐसे ही सड़क पर उतरते हैं। दरअसल सड़क पर दिख रहे ये लोग किसान हैं जो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इतनी कि अपने काम को छोड़कर यहां बैठे हैं, अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए जो नहीं सुन रहे हैं। ये तस्वीरें श्योपुर की हैं, जहां यूरिया खाद की किल्लत से परेशान होकर नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी। दरअसल किसान 4 साल पुराना खाद बांटने के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि खाद के कट्टों में ढेले तक बन गए हैं। आपको बता दें कि सुबह से खाद की दुकानों में लंबी लंबी कतार लगी हुई है। वैसे तो ये सोने की ज्वेलरी किसी कानों में अच्छा लगती है तो किसी के गले में, किसी की बाजुओं में,
तो किसी के नाक में। यह आभूषण जो महिलाओं का श्रृंगार है, अब महिलाओं के शरीर पर न रहकर आरपीएफ की टेबल पर शोभा बढ़ा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रेलवे पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में जबलपुर की आरपीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 किलो से ज्यादा सोने के जेवर के साथ एक शख्स को हिरासत में लिया है। इस सोने के जेवर की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि संदिग्ध शख्स मुंबई से व्यापारी के यहां सोने के जेवर लेकर आया था। आरपीएफ ने एक शख्स को संदिग्ध मानकर पकड़ा था, लेकिन उसके पास से करोड़ों के जेवरात मिले हैं, जिसके बाद जीएसटी विभाग को सूचना दी गई। विभाग ने जेवर को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी अलग अलग तरीके अपना रही है। नर्मदापुरम में बीजेपी ने प्रचार में अनोखा तरीका अपनाया। यहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति नौका रैली में शामिल हुई और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी की मछुआरा प्रकोष्ठ की तरफ से इस रैली का आयोजन किया गया था। बीजेपी की नौका रैली बांद्रा भान घाट से शुरू हुई और विभिन्न घाटों से होते हुए सेठानी घाट पर जाकर खत्म हुई। नौका रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों को संबोधित भी किया। स्वर्पादि पंकजम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणताये स्मताम। हाफिजगंज के अहमदाबाद की रहने वाली शबाना को अपने ही गांव के कृष्णपाल से मोहब्बत हो गई। दोनों 8 सालों से एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते थे, फोन पर घंटों बातें करते थे, जिसके बाद दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और फिर आज शबाना ने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली। शबाना ने मठीनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में शादी की। पंडित के शंखधार से शबाना का पहले गोमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया गया, फिर शबाना की घर वापसी कराई गई, जिसके बाद शबाना ने अपना नाम बदलकर पूजा यादव रख लिया है। पूजा ने कृष्णपाल के साथ विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की। पंडित के शंखदार के मंत्रोच्चार के जरिए शबाना की शादी कृष्णपाल से करवाई गई। कृष्णपाल ने शबाना के साथ 7 फेरे लिए। शबाना की मांग सिंदूर से भरी और मंगलसूत्र पहनाया। वही शबाना का कहना है कि उसकी हिंदू धर्म में आस्था है और वो बालिग है। उसने अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के कृष्णपाल से शादी की है। वो 8 सालों से कृष्णपाल से मोहब्बत करती थी। आशिकी तो हमारी जरा देखिए, ट्रैफिक नियमों से पंगा हमने ले लिया। तस्वीरें तो यही कह रही हैं, लेकिन इसके बाद अंजाम क्या हुआ ये भी बताएंगे। पहले तस्वीरें देखिए, सड़क पर सन्नाटा, बाइक पर रोमांस का मजा। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां एक कपल बाइक पर इश्कबाजी करता नजर आया। चलती बाइक पर कपल का इश्क वाला ये वीडियो सामने आया। तस्वीरों में देखिए, पेट्रोल की टंकी पर मोहतरमा बैठी हैं और जनाब रफ्तार भर रही हैं। लेकिन इस कपल को ये करना महंगा पड़ गया। ये नेशनल हाईवे पर कपल बाइक पर बैठकर इश्क लड़ाता घूम रहा था और इसके बाद पुलिस ने 4,000 का चालान काटा। अब इसे देखकर कह सकते हैं कि ये रिस्क हाई, बैठे बिठाए चालान कटे।